Hello and welcome students. Welcome to a new session of English Standard 6. We'll start with the chapter 1.6, The Peacock and the Crane. We'll start with the new chapter. And the chapter name is The Peacock and the Crane. Peacock aap sabko malum hai. What is peacock? And crane. Crane is a bird. So we'll start with the chapter. There was once a very conceited peacock who had gorgeous tail like no other bird. There was a very conceited peacock. Conceited means proudy. एक बार क्या था कि एक बहुत प्राउडी पिकॉक था जिसको अपने आप पे बहुत ज्यादा प्राउड था. Who had gorgeous tail like no other. उसकी जो टेल थी वो बहुत ज्यादा गॉर्जियस, बहुत ज्यादा सुंदर थी और वैसी कोई बर्ड की नहीं थी. सो वेन ही मेट अ क्रेन वन डे द पीकॉक स्कॉफ्ड एट द क्रेन्स कलरलेस एंड डल फेदर्स. अब जब वो एक बार क्रेन से मिला, अब जो क्रेन होते हैं तो क्रेन के जो फेदर्स टेल होते हैं ना वो बहुत डल होते हैं, कलरलेस होते हैं और पीकॉक के तो बहुत कलरफुल होते हैं. तो वो जो पीकॉक है वो एक बार क्रेन से मिला और क्या किया. When he met a crane one day, the peacock scoffed at the crane's colorless and dull feathers and immediately spread his own colorful tail for the crane to see and admire. The peacock scoffed. Scoffed means laughing at someone rudely. मतलब वो पीकॉक को जैसे ही क्रेन दिखा ना उसको एक थोड़ी रूड प्राउड जैसी स्माइल आई फेस पे. क्यों? क्योंकि उसको क्या लगा कि क्रेन कितना डल है, उसके जो फेदर्स है वो एकदम डल है, कलरलेस है. और उसने तुरंत क्या किया, उसके जो फेदर्स थे, उसके पीकॉक के जो फेदर्स थे उसने अपने फेदर्स पूरे स्प्रेड कर दिए, एकदम प्राउडली स्प्रेड किया क्रेन को बताने के लिए, जलाने के लिए कि देख मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे फेदर्स कितने सुंदर है, ये सब बताने के लिए उसने अपने पूरे जो फेदर्स है इमीडिएटली स्प्रेड कर दिए क्रेन को बताने के लिए. For the crane to see and admire. Look at my feathers, he boasted. और कैसे बोले क्रेन को, look at my feathers, मेरे feathers देखो. He boasted, boasted means show off करना. मतलब उसके पास वो चीज थी, वो बहुत ब्यूटीफुल था क्योंकि पिकॉक ब्यूटीफुल होते ही है, लेकिन उसको शो ऑफ करना था, प्राउड था वो उसके ऊपर क्योंकि क्रेन उसको ऐसा लग रहा था क्रेन मेरे सामने कुछ नहीं है. तो उसने क्या किया, उसके पूरे फेदर्स फैला दिए और क्रेन को बोलता है लुक एट मी, ही बूस्टेड, शो ऑफ किया उसको. हाउ दे शाइन इन ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो व्हाइल योर्स आर सो पेल, आई एम ड्रेस्ड लाइक अ किंग. और एकदम प्राउडली घमंड के साथ पिकॉक क्या बोलने लगा कि देखो मेरे फेदर्स कैसे शाइन हो रहे रेनबो के कलर्स की वजह से, पूरे मेरे जो फेदर्स है उसमें रेनबो के कलर्स है और आपके देखो क्रेन के, आपके क्या है एकदम पेल है, एकदम डल है, कलरलेस है. आई एम ड्रेस्ड लाइक अ किंग. और एकदम प्राउडली पिकॉक बोला कि मैं एक किंग के जैसा ड्रेसअप हुआ हूँ, एक राजा के जैसे मैं दिख रहा हूँ. क्रेन, अभी क्रेन ने उसको क्या रिप्लाई किया देखो. दैट्स ट्रू, द क्रेन आंसर. क्रेन ने वो चीज एकदम नॉर्मली एक्सेप्ट की, हाँ दैट्स ट्रू, मतलब सही बात है कि आप बहुत ज्यादा सुंदर हो, आप राजा के जैसे दिख रहे हो. क्रेन ने एकदम प्रॉपरली उसको एक्सेप्ट किया. बट अभी क्रेन ने उसके पॉइंट्स रखे. बट आई कैन फ्लाई हाई अबाउट अमंग द क्लाउड्स एंड द स्टार्स. आई कैन सी ऑल द ब्यूटी ऑफ द अर्थ इन ऑल इट्स ग्लोरी. अभी क्रेन ने क्या बोला, मैं स्काई में एकदम ऊपर उड़ सकता हूँ, मैं ऊपर से स्टार्स देख सकता हूँ, ऊपर से पूरी दुनिया की जो ग्लोरी है, ब्यूटी है, वो मैं देख सकता हूँ. मेरे अंदर ये क्वालिटी है, अगर मैं सुंदर नहीं हूं तो ठीक है, लेकिन मेरे अंदर ये दूसरी क्वालिटी है कि मैं फ्लाई कर सकता हूँ अबाउ स्काई में, फ्लाई कर सकता हूँ, पूरी दुनिया की ब्यूटी देख सकता हूँ, स्टार्स देख सकता हूँ. व्हाई यू लिव डाउन हियर जस्ट लाइक अनदर कॉक. और आप वो चीज नहीं कर सकते, पिकॉक वो चीज कर सकता है, पिकॉक स्काई में उड़ सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन वो क्रेन कर सकते हैं. तो उन्होंने पिकॉक को एकदम पोलाइटली और प्यार से जवाब दिया कि मैं ऐसी ऐसी चीजें कर सकता हूँ जो आप
मेरी बराबरी नहीं कर सकते, आप ग्राउंड पे ही रहते हो एक दूसरे कॉक के जैसे। फाइन फेदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स। और बाद में उसने रिप्लाई क्या दिया, फाइन फेदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स, मतलब अगर फेदर्स तुम्हारे अच्छे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे हो। एक इससे अपने को क्या सीख मिलती है कि अगर अगर कोई इंसान देखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर से भी अच्छा हो। और कोई इंसान अगर देखने में अच्छा नहीं है, मीन्स एक एग्जांपल, उनका रंग सांवला है, देखने में डार्क है, अच्छा ब्यूटीफुल नहीं है, तो वो इंसान अंदर से खराब हो, ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज के, हर एक इंसान में अपनी अपनी क्वालिटीज होती है। जरूरी नहीं है कि दिखावे में इंसान अच्छा नहीं है तो अंदर से भी अच्छा ना हो, नहीं। मैं भी इंसान का फेसिंग अच्छा ना हो, कलर डार्क हो, लेकिन वो इंसान दिल से बहुत अच्छा हो सकता है, उसके अंदर कोई दूसरी क्वालिटीज हो सकती है। इसीलिए हमको किसी के भी ब्यूटी पे या उनके कलर देख के किसी को जज नहीं करना चाहिए, हमेशा उनकी क्वालिटीज देखनी चाहिए हमको कि किसके पास कैसी क्वालिटीज है, और उस पे ही हमको किसी को जज करना चाहिए। किसी का फेसिंग या कलर देख के हमको या ब्यूटी देख के किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो ये लेसन से हमको यही सीख मिलती है कि वी शुड नॉट जज एनीवन बाय देयर ब्यूटी। वो कितना भी ब्यूटीफुल हो, लेकिन हो सकता है वो बहुत प्राउड हो, अंदर से उसके अंदर कोई क्वालिटीज ना हो, सिर्फ प्राउड हो, है ना। और जो दूसरा हो, भले वो दिखने में अच्छा ना हो, लेकिन वो अंदर से बहुत अच्छा हो सकता है। सो जज द पीपल ओनली ऑन देयर क्वालिटीज, नॉट ऑन देयर लुक। ओके, सो वी एंड द चैप्टर हियर। थैंक यू।